आइए सामानों को लेकर मुख्यमंत्री जी कई प्रदेशों में अपने तरीके से एक निर्णय लेना शुरू किया कि कैसे बहिष्कार करें। झारखंड में क्या परिस्थिति है? देखिए, चाइना का सामान लेना नहीं लेना यह भारत सरकार का निर्णय है, राज्य सरकार का इसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं है। अब ये केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वो किस दिशा में मौजूदा हालात को देख रही है। कई विशेषज्ञ इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कई चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। आज आप चाइना के सामान का बहिष्कार करेंगे, कल नेपाल के सामान का बहिष्कार करेंगे, कल और अन्य देशों का कोई सामान आएगा तो उसका बहिष्कार करेंगे। करेंगे किसका किसका बहिष्कार? इस देश का अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलना है ये तो मोटा मोटी भारत सरकार ही मुख्य भूमिका में है। जीएसटी इम्पोज करने के बाद तो राज्य सरकार की आर्थिक गतिविधि करने की जो क्षमता थी वो तो पहले ही समाप्त कर ली गई और आज सीमा पर जो तनाव है, एक सीमा पर तनाव नहीं है, कई सीमाओं पर तनाव है, लेकिन चर्चा एक ही सीमा की हो रही है। अब इस विषय पर तो हर चीजों को केंद्र सरकार को देश के समक्ष स्पष्ट रूप से रखना चाहिए, ना कि छिटपिट तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने बैकअप मतलब ऑफिस से या अपने कथाकथित एक वातावरण में संदेश देने वालों के माध्यम से संदेश को ना दें। सरकार को अपना पक्ष बिल्कुल देश के सामने स्पष्ट रखना चाहिए। सर, आज बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कोल माइंस को लेकर उन्होंने पूर्व की जो यूपीए सरकार थी, इनफैक्ट उन्होंने जो कोल मिनिस्टर थे उनके ऊपर भी सवाल उठाए कि उस समय जो है इतने स्कैम हुए और अभी राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है और ये कैसे सही है? देखिए, कहावत है ना, बाबूलाल मरांडी जी के बारे में मैं तो यही कह सकता हूँ कि नया नया मुल्ला बहुत ज़्यादा प्याज खाता है, वही हालत है। अभी अभी वो बीजेपी में गए हैं, बहुत दिनों के बाद इनको एक मौका मिला है कुछ बातें रखने के लिए। पहले वो जान लें कि तथ्यात्मक क्या है। एक तो इतने वर्षों के बाद, 40-50 सालों के बाद, जिस प्रथा को अपने हाथ अपने उस प्रथा से बाहर निकलकर लोग अपने अधिकार की लड़ाई या अधिकार पाने की स्थिति पर आए हैं तो उस पर भी अड़ंगा लगा रहे हैं। आखिर ये बता क्यों नहीं रहे कि इसके पीछे का जो मूल षड्यंत्र है वो क्या है? आज इनको कुछ समझ इनको कुछ नहीं मिलता है तो पूर्व के सरकार का रोना रोते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आज देश की अर्थव्यवस्था क्यों ध्वस्त है? आज लोग कितने लोगों का रोजगार छीना जा चुका है? इस आज कितने उद्योग धंधे बंद हैं? आज कितने लोगों के घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं? ये उनको बताना चाहिए। आज इनके निर्णयों से लोगों की जाने क्यों जा रही हैं ये उनको बताना चाहिए। इनको एक अपने आला कमान से होमवर्क मिलता है,
होमवर्क के तहत वो काम करते हैं। कुछ दिन पहले पत्रवीर के भूमिका में थे, अब ये वर्चुअल रैलियां, वर्चुअल ये करके बातों को रख करके लोगों को फिर दिग्भ्रमित करने में लगे हैं। और अभी इनसे कुछ सवाल करो तो बोलेंगे कि आप देश के सेनाओं के बारे में सवाल करते हैं। अजीब हालत। मुख्यमंत्री जी कोल ब्लॉक के मामले में पुनर्वास और विस्थापन कितना बड़ा इशू बन सकता है? आप पता कर लीजिए, हमारे यहाँ भारत सरकार के ही उपक्रम बड़े पैमाने पर खनन कार्य में लगे हैं। क्या उनका विस्थापन की समस्या का समाधान हो चुका? क्या विस्थापितों को अभी भी उनका अधिकारों से उन लोगों ने वंचित नहीं किया? ऐसे कई चीज़ें हैं। क्या पर्यावरण को इन लोगों ने दूषित नहीं किया? आज क्या हमारे राज्य के लोग लाल पानी काला पानी पीने पर मजबूर नहीं हुए? आज माइनिंग क्षेत्र में सबसे अधिक बीमारियां हैं। आज ये मौका राज्य के समक्ष आया है, वो तो किस तरीके से चोरी छुपे ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं, अब संज्ञान में हमारी आई है, तो अब पूर्ण तरीके से इस पर हमारा नज़र रहेगा और इसको लेकर बिल्कुल मेरा मानना स्पष्ट है कि राज्य सरकार पहले अपने हक अधिकार की को सुनिश्चित करेगा, तभी चीज़ों पर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल वो स्वतंत्र हैं, वो अपने बातों को भी रख सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं। जो निर्देश दिया जा चुका है वो निर्देश सार्वजनिक है, और जो भी निर्देश होगा वो आप लोग के समक्ष रहेगा।